हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा खिचड़ी जो है वो बनकर तैयार हो गया और इसमें तड़का भी हमने लगा लिया है। और ये स्पेशल खाना है, मतलब बीमार लोगों का खाना नहीं है, काफ़ी टेस्टी होता है। दाल चावल अगर हम लोग खाकर बोर हो जाते हैं तो खिचड़ी जो है सप्ताह में एक दिन ट्राई करना तो बनता है। तो आज सैटरडे था, सैटरडे के दिन हमने ये खिचड़ी बनाया था और इस पर डाल दिया हमने ये गाय का घी, वो जो मैंने घर पर बनाया है। और ये पापड़ है, चोखा है, चटनी है, अचार है। मतलब कहा जाता है खिचड़ी के जो है चार यार होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने किस तरीके से बनाया है आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खिचड़ी आज मैं बनाने वाली हूँ ये हांडी कुकर में। कुकर में मैंने डाला है ये एक लोटा ली हूँ मैं, और इससे तीन लोटा पानी, एक लोटा, दो लोटा, तीन लोटा, क्योंकि खिचड़ी बनाने के लिए हम लोगों को पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। और वैसे मुझे पानी वाला खिचड़ी जो है वो ज़्यादा पसंद है, थोड़ा पतला रहता है तो अच्छा रहता है, सूप जैसा पीने में अच्छा लगता है। तो अभी पानी को हम गैस पे चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। और इधर नाप लेते हैं चावल और दाल। तो चावल और दाल का रेशियो ऐसे जो है 50-50 होता है, मतलब आधा चावल आधा दाल हम लोग जिससे भी मेजर करते हैं वो लेते हैं। तो यहाँ मैं तीन तरह का दाल ले रही हूँ, थोड़ा मूँग का दाल, ये है मसूर का दाल और तूर का दाल। बहुत लोगों को दाल में जो है डिफरेंस समझ में नहीं आता है, जब हम लोग बचपन में थे तो मुझे भी नहीं समझ में आता था। तो जो पीली पीली दाल होती है ना, छोटी छोटी सी, वो होती है मूंग की दाल। जो हल्का सा रेड कलर का जो है छोटा छोटा, वो होता है मसूर का दाल। और थोड़ी सी बड़ी होती है और पीली पीली होती है, वो होती है तूर की दाल, जिसे हम लोग अरहर की दाल भी बोलते हैं। और चना का दाल भी वैसे ही होता है, लेकिन उसका शेप थोड़ा सा मोटा होता है। और जितना हमने चावल लिया था, मतलब दाल लिया था, उससे थोड़ा सा मैं कम चावल लेती हूँ। वैसे 50-50 ही रेशियो लिया जाता है। और चावल दाल को अच्छे से हमने तीन चार पानी से धो लिया और थोड़ा सा उसको मैंने फूलने के लिए दे दिया था। और इधर देखिए पानी मेरा गर्म हो चुका है, मतलब खोल चुका है। खोलते हुए पानी में ही हम लोग इसे डालते हैं और डालने के बाद एक बार इस तरह से चला देते हैं। जब भी आप चावल या दाल डालते हैं पकाने के, मतलब पानी में, तो उसको एक बार चला दीजिए, नहीं तो क्या होगा, नीचे वो चिपक जाता है। और जब तक मेरा ये खोल रहा है, धीरे धीरे फ्लेम को लो कर देंगे और उसे पकने देंगे, तब तक हम लोग तैयारी कर लेते हैं सब्जी की। वैसे तो इसमें मटर और जो गोभी पड़ता है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो वो सर्दी के मौसम में हम लोग वैसे खिचड़ी जो है वो बनाते हैं। अभी जो है गर्मी का मौसम है और साउथ में है, तो साउथ की जो सब्ज़ी है उसको ही हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इधर लौकी हम लोगों का मिल जाता है, वैसे लौकी की खिचड़ी भी काफ़ी हेल्दी होती है। और ये है चावचाव, इसे हम लोग चावचाव बोलते हैं। और ये केवल दक्षिण भारत में ही पाया जाता है, हम लोगों के यहाँ नहीं पाया जाता है। बिल्कुल कद्दू जैसा ही है, तो देखते हैं कैसा बनता है। और इसको भी हम लोग पतला पतला लौकी जैसा काट लेते हैं। तो सारी सब्जी को हम लोग काट लेते हैं। एक मैंने थोड़ा सा झींगी का एक टुकड़ा लिया है, उसको भी काट लेते हैं। तो सारी सब्जियों को हमने काट लिया है। ये देखिए चावल दाल मेरा बिल्कुल खोल चुका है, मतलब खोल रहा है मीडियम फ्लेम पे। तो धीरे धीरे इसको खोलने देते हैं और इसमें डाल देते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही पड़ता है। और हल्दी, हल्दी पहले ही डालेंगे, क्योंकि हल्दी बाद में डालने से क्या होगा, इसका कड़वापन रह जाता है। और हल्दी को भी हम लोग पकने देते हैं। अभी इसका कलर थोड़ा सा डल लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये खोलेगा इसका कलर जो है वो मतलब सब खिचड़ी का आ जाएगा। तो अभी इसको एक बार चला देते हैं। और जो फेन वगैरह ऊपर बनता है ना, उसको हम लोगों को क्या करना है, निकाल कर बाहर डाल देना है। तो अभी इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा, ये सारी सब्जियां जो काट कर रखे थे उसको हम लोग यहाँ पे बस डाल देते हैं। ये मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस रखा है, आप चाहे तो बिल्कुल पतला पतला पीस में काट कर डाल सकते हैं। सब्जी अगर आपको नहीं पसंद है तो, केवल कद्दू पसंद है तो कद्दू भी डाल सकते हैं। कोई भी सब्जी नहीं पसंद है तो बिना सब्जी का भी आप इसे बना सकते हैं। वैसे हम लोग जब सीजनल रहता है आलू गोभी मटर ये सब का, पालक का, तो वो सब्जी जो है डालने से काफ़ी टेस्टी खिचड़ी बनता है। अभी इसको हम लोग ढक्कन से ढक दिए हैं और इसको पकने देते हैं सब्जी को थोड़ी देर। देखिए सब्जी हमारा पक गया है, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। आप चाहे तो इसको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे, मतलब ऐसे ही ढक के पतीला में हांडी में पका सकते हैं, लेकिन मैं इसका ढक्कन लगाने वाली हूँ। और अभी जैसे मेरा पक गया है तो हम लोग थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच हमने जीरा पाउडर और उससे भी आधा हमने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। और इसको फिर से एक बार अंदर से चला देंगे, नहीं चलाने से क्या होगा, मसाला जो है वो कहीं कहीं ढीका ढीका रह जाएगा। तो एक बार अच्छे से चला दीजिए और धीरे धीरे देखिए आपका पानी जो है वो सूख रहा है, इसीलिए पानी इसमें ज़्यादा डाला जाता है कि ये पानी में ही सीझता है। और धीरे धीरे सीझता है तो ये और ऐसे ही गाढ़ा होते जाता है। तो अभी इसको थोड़ा सा ढक कर फिर से पकने देते हैं थोड़ी देर।
और इधर सब हम लोग तड़का की भी तैयारी कर लेते हैं। और चोखा इसमें मैंने पहले ही बना लिया है और अभी थोड़ा सब्जी वगैरह वो सब चीज़ गया है, तो मैं इसमें डाल दी हूँ 2 छोटा टमाटर और थोड़ा सा पालक का साग। अगर पालक का साग है तो आप पालक को ज़रूर ऐड कीजिए, इसमें काफ़ी विटामिन होता है, विटामिन ए तो भरपूर होता है, हमारी आँखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने पालक को डाल दिया है और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मूँगफली। ये मूँगफली जो है वो रोस्ट किया हुआ मूँगफली है, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं, इससे टेस्ट को काफ़ी अच्छा आता है। और जो खिचड़ी बनता है ना कहीं पे भंडारा वगैरह में, तो ये जो है मूँगफली जो है ऐड किया जाता है, इसीलिए मैं कभी कभी घर पे भी ऐड कर देती हूँ, कभी कभी इसमें दलिया भी डाल देते हैं जो, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। नमक वगैरह आप चेक कर सकते हैं और अगर कम है तो उसमें आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में थोड़ा सा हम लोग गरम मसाला डालेंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे और बस एक सीटी लगवा कर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये अपने हीट से जो है वो सीज जाएगा। एक सीटी मेरा मार चुका है और कुकर ठंडा हो गया, तो अभी इसको खोल लेते हैं और देखिए बिल्कुल मेरा ठंडा हो गया है, सब्जी वगैरह भी सीज गया है अच्छे से। तो एक बार हम लोग अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे तो जो टुकड़ा टुकड़ा सब्जी है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए खिचड़ी का कंसिस्टेंसी मतलब ये जो है मुझे अच्छा लगता है। अगर थोड़ा सा आपको और थिक चाहिए, गाढ़ा चाहिए, तो आप इसको गैस को ऑन कर दीजिए और इसको थोड़ी देर और पका लीजिए खुले में, तो ये इसका जो है वो जो पानी वगैरह है वो सूख जाएगा। अभी मैं इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ, तो तड़का के लिए मैंने डाला है लहसुन, लहसुन में तो सरसों का तेल डाला है और ये जीरा मैंने डाला और ये लाल मिर्च और थोड़ा सा हींग भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसको एक बार इस तरह से चला देते हैं और ये तड़का जो है हमारा तैयार हो गया है। ज़्यादा नहीं पकाना है, सबसे पहले लहसुन ही डालना है क्योंकि लहसुन को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये तड़का डालें और इसको डालने के बाद ढक देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट घी में भी तड़का लगा सकते हैं और एक बार डालकर इस तरह से इसे मिला लीजिए और इसे गर्मा गर्म परोसिए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और हमारे पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खाना बनता है, वो भी सैटरडे को। और अभी मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इस तरह से इसके ऊपर घी, इससे घी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और इसमें आप चाहे तो दही भी ऐड कर सकते हैं, दही भी बहुत पसंद किया जाता है। एक्चुअली रात का टाइम है तो मैं इसमें दही नहीं डाल रही हूँ। तो ऐसे भी खिचड़ी के जो है वो बहुत सारे तैयार होते हैं, पापड़, चोखा, चटनी, अचार, घी, दही, जिसके साथ खाना है उसके साथ खाइए और काफ़ी टेस्टी होता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। और आप अपने घर पे खिचड़ी कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।